ओके देख लास्ट टाइम आम पढ़ी आयनिक सॉलिड है आज आम पढ़ुचे देख आयनिक कंपाउंड केमती फॉर्मेशन हुए पढ़ी सारी आज आम पढ़ा जाऊचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन कहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुण एगुड़ाक पेपर लिखिवार कारण ना एगुड़ाक पेन पेपर रे ही सहजरे जानिजिबो सेइथिपाई मु लिखिछि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स कौन कहली आयोनिक सॉलिड्स हबो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड कहले कौन आम बुझा ओके तो देख आयोनिक सॉलिड आम पढ़ले लास्ट टाइम गोटे एन ए प्लस थी तुमर गोटे सी एल माइनस थी दिज परस्पर पाख को जोबले आसबे गोटे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रे रहिबे ला इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रे रहिला परे से माने गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड रहिबो तांका भितरे हन नाही एमिते एन ए सेल स्ट्रक्चर भी करथिले यस तो एटा को आमे कहथिले तमर आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कोन कहिले इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ला अच्छा वर्तमान देख इथरे सभा फास्ट पॉइंट रे रहे हला जे इलेक्ट्रोवैलेंसी आयोनिक कंपाउंड कर रहिबो इलेक्ट्रोवैलेंसी ठीक अछि एटा जानिबा पई कहुछि कोन ना देख एने तमर कोन करथिला एनएसीएल तयार हबा पई एने गोटे इलेक्ट्रॉन याकु दोथिला वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेशन करथिला सीएल माइनस गोटे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एक्सेप्टेशन करथिला माने कोन टोटल इलेक्ट्रॉनटा ये दब ये हि जीव डोनर ये हि जाउथिला एक्सेप्टर हला एक्सेप्टर ठीक अछि तो ए डोनर एक्सेप्टर जोगु ठीक अछि ये कोन होथिले एन कोन तयार होथिला एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस तो ए जो जिनस दिटा तयार हेला केतेटा इलेक्ट्रॉन दबा द्वारा तयार हेचंती गोटा जेतेटा इलेक्ट्रॉन दबा जोगु आयनिक बॉन्डटा फॉर्मेशन हेचे कोन कहली आउ थरे सुन जेतेटा इलेक्ट्रॉन दबा जोगु आयनिक बॉन्डटा फॉर्मेशन हेची ताको कहा जाए इलेक्ट्रोवैलेंसी त माने कोन इट इज द मु लिखि परबी इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बुझेला तो एनएसीएल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हेछि गोटे तो यार मु जदि कहिबी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन ए ताहले से केतेटा इलेक्ट्रॉन देछि गोटे इज इक्वल टू ताहले केते लिखि दबो 1 हला मु कहिबी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सीएल केते लिखिबो 1 हला बुझै छी सेमिति आमर देखियो तमे तयार करथिबो कैल्शियम ऑक्साइड तयार करछ ना नै हला कैल्शियम ऑक्साइड जतबेले तयार करछ सेतिक बेले आमे कोन करथले ना कैल्शियम रो सीए तार होथला 2882 तो से जतबेले ऑक्सीजन सहित बाइंड करथला ऑक्सीजन रथिला 26 तो ये दीटा जक इलेक्ट्रॉन याकु दे दउथला तो दीटा इलेक्ट्रॉन रो डोनेशन होथला ला तो ए केस रे मु कहिबी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू केते हे जीवो 2 मु कहिबी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन केते हे जीवो सेई 2 ला मन रखिथा ता माने जीए जति किटा इलेक्ट्रॉन दउची बा जीए जति किटा इलेक्ट्रॉन नउची
हला सेटा को कहते तांकर इलेक्ट्रो भैलेंसी। फर्स्ट पॉइंट बुझ पारल हाँ इलेक्ट्रो भैलेंसी कौन। अच्छा टिके देखिए मत कहल ए एल सी एल थ्री सपोज ए एल सी एल थ्री देखिए कौन है देख आलुमिनियम रहा थर्टीन तो यार कौन है टू टू फर्स्ट सेल दुटा इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल आठ तापर तीन तेरटा इलेक्ट्रॉन है कि सी एल रेते थी सेवेन्टीन मान कौन थी टू एट सेवेन हाँ ना नहीं है तो केतेटा सी एल अच्छी तीन टा सी एल थी तो प्रत्येक सी एल रे कौन थी टू एट सेवेन आ गोटे क्लोरीन रे भी थी टू एट सेवेन है ये तीन टा इलेक्ट्रॉन एठिकी गोटाए एठिकी गोटाए एठिकी गोटाए दिखती हाँ ना नहीं बर्तमान तुम्हें ये जदि इलेक्ट्रो भैलेंसी कह इलेक्ट्रो भैलेंसी हम इलेक्ट्रो भैलेंसी जिते कह मन रखी था ये टोटल केतेटा इलेक्ट्रॉन दूसरी आलुमिनियम टा तीन टा तो इलेक्ट्रो भैलेंसी ऑफ आलुमिनियम जिते कह कह थ्री किंतु मुझे जिते इलेक्ट्रो भैलेंसी ऑफ क्लोरीन कहटा जाक मिसिकी तीन टा इलेक्ट्रॉन पाई किंतु गोटी गोटे क्लोरीन कथा कहले से केतेटा इलेक्ट्रॉन पाउच गोटाए तेणुक गोटे क्लोरीन जीटा इलेक्ट्रॉन पाइब सेटा हूँ तार इलेक्ट्रो भैलेंसी माने जीटा इलेक्ट्रॉन पाइले देख ये जदि गोटे इलेक्ट्रॉन पाउच तार आउटर के इलेक्ट्रॉन हो जा आठ ये जदि गोटे पाउच तार आउटर के आठ ये जदि तीन टा जाक तार आउटर के आठ तो जीटा पाइले जीटा इलेक्ट्रॉन देले से माने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई करेंगे सेटा हूँ तार इलेक्ट्रो भैलेंसी बुझेगा है। अच्छा आउ बेसी न कहिके आमे दुई नंबर पॉइंट को जीवा है दुई नंबर पॉइंट रे कहुची जे आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड है से कौन कहला आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड केमिति ना देख आयोनिक सॉलिड हार्ड कहीं कहला दिस इज ड्यू टू देख आम जो कहले इलेक्ट्रो यार रिजनटा शुण ड्यू टू स्ट्रंग इलेक्ट्रोस्टाटिक कौन कहले स्ट्रंग इलेक्ट्रोस्टाटिक बंड है जिते गोटे पॉजिटिव आयन काटायन आ गोटे नेगेटिव आयन आनायन भितर इंटराक्शन हुए ला ए इंटरैक्शनटा हूँ बहुत स्ट्रॉंग इंटरैक्शन कौन कहली स्ट्रॉंग इंटरैक्शन स्ट्रॉंग इंटरैक्शन थिले ला से कौन हुए ना ताको कहते तुमर स्ट्रॉंग इंटरैक्शन जिते हम देख ये धर एन ए प्लस था सी एल माइनस से माने कौन हे स्ट्रॉंग इंटरैक्शन हेले ई आसिक ये जगह पूरा फिक्स हो सी एल माइनस आसिकी ता जगह पूरा फिक्स हो स्ट्रंग इंटराक्शन जो कहीं क्या छाड़ू नए तो ये कड़े मूव करें देख लेते हार्ड सॉलिड टाण सॉलिड से पार्टिकल मूव करती बोली से मैंने स्ट्रंग सॉलिड है ना ना जदि पार्टिकल गुड़ाक मूव करेंगे से कौन हो मानने स्ट्रंग सॉलिड हार्ड सॉलिड हो पारे लिक्विड आड़े बही पानी रे मॉलिक्यूल गुड़ाक फ्री अच्छा तेणुक मूवमेंट करो से माने लिक्विड अच्छा है किंतु गोटे लुहारे पार्टिकल गुड़ाक कौन से गोटे कंपाउंड एन ए सी एल नहीं जाओ लुण लुण से सब पार्टिकल गुड़ाक स्ट्रंग बंड कर पूरा हार्ड सॉलिड है ना नहीं सेकेंड पॉइंटा भी इजी है टी जा थर्ड पॉइंट आड़े थर्ड पॉइंट कौन लिखाही थर्ड पॉइंट तुमको कहूँ दे हैव डेफिनाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख कौन कहली दे हैव डेफिनाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर
ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ, ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଡେଫିନାଇଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା, ବିକଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍କୁ ଆଣିକି ପୁରା ଲଗେଇକି ରଖିପାରିବନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ କହିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେବଳ ଦୁଇଟା ଆୟନ୍ ଥିବେ, କେବେ ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ୟା ପାଖରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଥିବେ, ୟା ପାଖରେ ଆହୁରି ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ୟା ପାଖରେ ପୁଣି ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍, ୟା ପାଖରେ ପୁଣି ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍। ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ତଳକୁ ଧର କିଛି ପାର୍ଟିକେଲ୍ ଥିବ, ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଓଭିଅସ୍ଲି ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ବଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିବ ସବୁବେଳେ? ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍। ପୁଣି ୟା ତଳେ କିଏ ଆସୁଥିବ? ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ଏଠି କିଏ ଆସିବ? ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍, ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ଏଠି ପୁଣି କିଏ ଆସିବ? ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍। ଏଠି କିଏ ଆସିବ? ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍, ସି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ଏମିତି ଚାଲିଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଲେଖିଦିଏ, ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆସିଲା ଦେଖିଲ, ଏମାନେ ରେଗୁଲାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆୟନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି? ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନ ବୁଲିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆସିବ କି? ଇଟା ଗଦାରେ ତମେ ଯଦି ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦବ, ତମେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସିବ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ସଜେଇକି ରଖିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଜେଇକି ରଖିଲା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତମେ କହିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଟା ଗଦା ସଜା ହେଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଜଣେ ସଜେଇ ପାରିବ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ରେଗୁଲାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ରହିବେ ସେଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି ଯଦି, ହେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଡେଫିନାଇଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ସେପ୍ ଥାଏ ୟାଙ୍କର, ହେଲା। ଡେଫିନାଇଟ୍ ସେପ୍ ଦେଖିବ, ଚିନି ଦାନାଟା ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା, ଲୁଣ ଦାନା ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା। ଏନ୍ ଲୁଣ ପୁଣି ଚିନି ତ ଛାଡ଼, ଏନ୍ ଏ ସି ଏଲ୍ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି ସୋଡ଼ିୟମ, ତା ତଳେ କି ଅଛି ପୋଟାସିୟମ, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହେ, ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ତ? ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଯିବା କେଉଁଠି କି? ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ କହିଲା? ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଆୟୋନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଲୋ ଭୋଲାଟିଲିଟି। କ'ଣ କହିଲି? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟା କହିବା, ଆୟୋନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ସାର୍, ହାଇ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ। ହବ, ସେ କହିଲା ଆୟୋନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଧିକ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଦେଖ, ଏଇଟାର ରିଜିନ୍ ବି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିସାରିଲେଣି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ? ଆଚ୍ଛା, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ହାଏ ହୁଏ, ଲୋ ହୁଏ? ଦେଖ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଅନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବି ମାଇନସ୍ ଆଇଅନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ମୁଁ ୟାକୁ ବଏଲ୍ କରିପାରିବି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ହେଲା, ତେଣୁକରି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ହେବା ପଛରେ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ୟାଙ୍କ ଭିତର ବଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଦଶ ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିସାରିଲେଣି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ବଣ୍ଡଟା କ'ଣ, ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन कहली दिस इज ड्यू टू देख तुमको परीक्षा रे सीएचएससी एग्जाम रे ई गोटे लाइन लिखले बचिगला किंतु एंट्रेंस रे रीजन टा हे पचार थिबो रीजनिंग क्वेश्चन हिसाब रे हला सेठी होची असुविधा दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ला यार आहुरी गोटे सेकेंड रीजन अच्छे ला सेकेंड रीजन टा कौन देख ल आम कहले जे एम रेगुलर अरेंजमेंट था पखापाखी था सॉलिडटा बोली हाँ ना ना जिते मुझे बॉक्स नेली ता भीतर जो एन ए प्लस सी एल माइनस रखुची है जदि ये लिक्विड था मॉलिक्यूल गुड़ा छाड़ी छाड़ी था ता माने मॉलिक्यूलर डेंसिटी डेंसिटी माने कौन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एरिया और मास पर यूनिट जो मास पर वॉल्यूम है यही वॉल्यूम रे मास गुड़ाक जदि छाड़ी छाड़ी रहिबे कम रहिबे कौन माने कम पार्टिकल रहिबे किंतु मु जदि एन ए सी एल यही गुड़ाक सब रखिबी ताहले हमर एठी कौन रहिजिव बहुत सारा पार्टिकल रहिजिव अल्प जगह भितर बहुत सारा एन ए प्लस सी एल माइनस रहिजिव ना नहीं तो जितने एन ए प्लस सी एल माइनस बहुत सारा रही तार डेनसीटी कौन कहली डेनसीटी डेनसीटी टार फर्मूला कौन है मास बाय वॉल्यूम है मास बाय वॉल्यूम केते मास रही वन एम एल वॉल्यूम वन लीटर वॉल्यूम यहाँ है कथा तो आयोनिक सॉलिड रे पार्टिकल गुड़ाकर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थिबा जोगु से माने पाखापाखी रहंती पाखापाखी बहुत संख्या रे रहंती जे बहुत संख्या रे रहिबो ता डेंसिटी कौन हबो हाय तो गोटे देख एटा सिंपल जिनस कौन हे जाय गोटे बॉक्स रे तमे 10टा पार्टिकल 100टा पार्टिकल रखिछ 100टा हीट करी की तांको वेपर को नबाटा सहज किंतु जणे रखी टेन माने लक्षे ना लक्षेटा पार्टिकल रखी से वॉल्यूम तो लक्षेटा पार्टिकल को हीट करके वेपर करिया को टाइम लगे ना एटा होची सॉलिड रो केस रे अल्प जगह रे बहुत सारा मॉलिक्यूल था तो ता डेंसिटी टा कौन थाए हाय तो सेकेंड फैक्टर टा कौन आसीबो ड्यू टू हाई डेंसिटी More energy is required to कौन boil solids हब boil और कौन melt solids हब melting point भी सेम चीज तो चार नंबर पॉइंट सॉरी हब पांच नंबर पॉइंट को चल ठीक अच्छे पांच नंबर पॉइंट कौन कह देख से कहि पांच नंबर पॉइंट रे आयोनिक कंपाउंड्स देख इटा गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन कहली इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट या माने कौन तुम कौन कर गोटे लोक को लुण धरदेव सुखिला लुण है पूरा सुखिला लुण थी लुण ड्राए थी आणिक गोटे लोक को धरदेव करेन्ट दब बिलकुल मार ओके काहे मार ना करेन्ट मारिबार रिजिनटा होची जदि सॉलिड थिबो आउ टिके पूर्वर तुमको बुझेची एन ए प्लस सी एल माइनस आयोनिक सॉलिड रे फिक्स पोजिशन रे थांती फिक्स्ड ये चाली बुली पारिबे नाही हला किंतु करेन्ट मारिबा पई आयन रो मूवमेंट दरकार आयन रो मूवमेंट माने करेन्ट
देखले आयन रो मूवमेंट में जहाँ इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट सेया तेणुक इलेक्ट्रॉन बा आयन रो मूवमेंट जो करेन्ट फ्लो हुए। ओके जेतेबेले आम कहले सॉलिड स्टेट से पार्टिकल गुड़ाक मूव कर फिक्स पोजिशन अच्छा ओब्वियसली फिक्स पोजिशन ना तुम सॉलिडटा दौड़ दौड़ी पलि था तुम्हें ये आुण गोटे पीस रखीद दस मिनट पर आसला बेलू से जदि सॉलिड स्टेट रे फिक्स पोजिशन रुन से तुम आसला बेलू दौड़ दौड़ी छाड़ी पलि थ पेपर उड़ी पलि थ कड़े है तेणुक एम फिक्स पोजिशन था मूवमेंट न थाए कौ स्टेट रे सॉलिड स्टेट रे ला सॉलिड स्टेट रे जदि एम मूवमेंट नहीं ताहले से माने कौन करिवे कंडक्ट करिवे नहीं इलेक्ट्रिसिटी ला बट दे कंडक्ट इन कौ स्टेट रे कंडक्ट करिवे इन मोल्टेन और आक्वस स्टेट और आक्वस स्टेट ताने से कौन कह तुम्हें सेम लुण सॉलिड थिला ताकु नेके पानी रे पके दियो तापर करंट दियो मारिबो कौन पाई पानी रे पकेले एठू से माने भाग हेजबे जो फिक्स थिले आ फिक्स रहिबे नाही फिक्स न रहिले आयनटा मूव कर पारिबो जुआडे इच्छा जेतेबेले मूव करिबो तुम्हारे करंट फ्लो है आक्वा स्टेट कहीदेली पानी रे मिसले सल्यूशन हो लुण पा तेणुक तार मुवमेंट मोल्टेन स्टेट कौन मोल्टेन स्टेट कहले कि नुह कौन ना तुम सेम लुणटा को गोटे भेसेल नब सॉलिड लुण एनएसीएल है से लुण को लेकिन कौन कर ना हीट देदेव कौन देल हीट देटा धीरे धीरे मेल्ट हो तो से पानी अच्छी की पानी ना किंतु से कौन हो मेल्ट जे बिना पानी रे माने खाली सब्सटेंसटा मेल्ट हो लिक्विड होने कौन सी प्योर सब्सटेंस लिक्विड स्टेटा लिक्विड एनएसीएल है तो ताकू कह मोल्टेन स्टेट। अच्छा लिक्विड स्टेट रे माने कौन फिक्स पोजिशन थे के तेणुक लिक्विड स्टेट रे भी से मुवमेंट करेंगे जे मुवमेंट करे करेन्ट दे से कौन हम करेन्टा फ्लो है तो करेन्ट फ्लो मान से कौन हो जा कंडक्ट कला बुझेगा ये पॉइंटा है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट को चल छ नंबर पॉइंट। ओके छ नंबर पॉइंट रे कौन अच्छी तुम ना कंडक्टेंस विषय कहीदे ठीक अच्छे मन रखी था यहाँ भी आहरी गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट पचारे एटा डैश पूरण हुईच बंड इज डिरेक्शनल एंड हुईच बंड इज नॉट डिरेक्शनल तो मन रखी था सब बेले आयोनिक बंड्स आर नॉन डिरेक्शनल कौन कहली नॉन डिरेक्शनल है नॉन डिरेक्शनल माने तांकर थय कूल किछ ना मैंने कौन देख तुम जिते कहली एन ए प्लस एल माइनस गोटे बंड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बंड और आयोनिक बंड से एन ए सी एलटा देख लदि ये बाम पटु एम आखक डाण पटु आ चल जड़े कह सर नाई मु आपे चीनी ना तो मुमि ने मोर एन ए प्लस एमती आसब मो सी एल माइनस एपटू आस ने भाई मुझे तेज चिन्ही ना नहीं सेम एन एस एल तैयारी मोर कि ऑब्जेक्शन ना तो ये डिरेक्शन जहाँ थी ये कौन डिरेक्शन से तेणुक जमीती आसतु जो पटु आसतु से मैंने आयनिक बंड फॉर्मेशन करेंगे जदि प्रॉपर एन ए प्लस एल माइनस है ना ना अच्छा आउ टे कह जड़े कह आप दिज कथले मुझे दिज को चिन्ह ना मोर एन ए प्लस एमती आसब मो सी एल माइनस एपटू आसब नो प्रोब्लेम
जो पटु आसतु पाखक तो आसबे आसिले तो बंडटा करदे तेणुक या कि डिरेक्शन अच्छी जड़े आउ जड़े आस कह मोर ये कर्णर रु आस मत कहीपर मुझे कर्णर रु ही ने नियो नो प्रॉब्लम मोर कि ऑब्जेक्शन ना कि एनएसएल याबारे आम कि बाधा ना जेपर्यंत आसवे कौन बाधा ना से कौन भी डिरेक्शन रु आसपर जेकोसी भी डिरेक्शन रु आस डिरेक्शनल हम ना नॉन डिरेक्शनल ओब्वियसली नॉन डिरेक्शनल बुझेगा अच्छा आ गोटे पॉइंट को जाते नंबर पॉइंट गला छ ठीक अच्छे सात नंबर पॉइंट रे देख ओके सात नंबर पॉइंट रे आहरी गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कह एटा टिके बुझिबा जिनस हला से कहिला आयोनिक सॉलिड्स सोज आइसोमॉर्फिज्म हला एटा गोटे टर्म आयोनिक सॉलिड्स सॉलिड्स सो सॉरी इंग्लिश खराब है ला ओके बट करेक्शन हमें भी कर देले ला आयोनिक सॉलिड्स सो आइसोमॉर्फिज्म हला तुम ध्यान को आसतुब आइसोमॉर्फिज्म कौन ला आइसोमॉर्फिज्म कहिले गोटे बढ़िया जिनस कौन ना देख लवल इतिक लिखी एफिएसओ यहाँ गोटे आयोनिक कंपाउंड या कौन तुमको केवल जेड एन एसओ फोर सहित सामान देखा जाऊँ कि देख एसओ फोर सामान अच्छी कि मेटालटा अलग अच्छे ये मेटाल अलग अच्छे तेणुक दुटा डिफरेन्ट आयोनिक कंपाउंड है किंतु ये आसीगले किए किंतु से किए ना द बट महाशय है बट महाशय जो बसवे से किसी ना कि तेढ़ा जिनस कौन कहला ना तुम्हें या पाने मिसेब कौन कहली या पाने मिस या भी पाने मिस बोथ जिनसटा को पाने मिसेला देख ये गोटे एमती क्रिस्टल हुए क्रिस्टल मान सॉलिड होगा सॉलिड रे केवल एफिएसओ फोर आ रही ये मिसिकी रहे किए ना सेभेन वाटर केमी ना यही भितर जो खाली जगह गुड़ाक अच्छी भर्ती करने सतटा वाटर मलिकुल थी केमी सपोज आउ टे चित्र कर दिए ना एमती सपोज तुम एफिएसओ फोर टाइम मझे रहीगला घेरिकी सतटा वाटर थी हम तार आरेंजमेंट सब एमती मुझे लिखिदेली बोले एमती आरेंज हुए नहीं सॉलिड्रे तार पर्टिकुलर आरेंजमेंट अच्छे किंतु पर्टिकुलर आरेंजमेंट रहा हला एमती देखागला ए दिज विदाउट वाटर रे अलग स्ट्रक्चर थिले डिफरेंट स्ट्रक्चर थिले एथिरे भी जत वाटर दिया होची एथिरे भी तमरो कोन हो जाउची ना जेड एन एसओ फोर सेभेन वाटर हला कौन हो जाउची जेड एन एसओ फोर सेभेन वाटर तो ये देख ली भी होता सेभेन वाटर एठी भी अच्छी सेभेन वाटर तो एबे जिते से क्रिस्टलाइज हेबे से माने देखा जाए समान है समान समान स्ट्रक्चर देखा जाती जीए वाटर सहित हाइड्रेटेड माने मन रखी था वाटर आड हवा प्रोसेसटा को कहती हाइड्रेशन है हाइड्रेशन परे द सॉलिड्स व्हिच ऑन हाइड्रेशन गिव्स और सोज सेम टाइप ऑफ जेमेट्री सेम टाइप ऑफ जेमेट्री दीज आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक कौन कहली आइसोमॉर्फिक हब तो यही जो प्रोसेस रे माने समान देखा जाउचंती वाटर ऐड हवा प्रोसेसटा से प्रोसेसटा को कहंती कौन ना आइसोमॉर्फिज्म कौन कहंती आइसोमॉर्फिज्म बुझला आइसोमॉर्फिज्म रो ताहले माने कौन हला ना आइसोमॉर्फिज्म जोगु हला टू क्रिस्टल्स
और थ्री क्रिस्टल्स शोज सेम जेमेट्री कहार आसीबो डिफरेंट आयोनिक सॉलिड्स आफ्टर आइसोमॉर्फिज्म शोज सेम जेमेट्री ला ता माने FeSO4 अलगा स्ट्रक्चर थिला ZnSO4 अलगा स्ट्रक्चर थिला जेतबेले से माने आइसोमॉर्फिज्म देखौचंती आइसोमॉर्फिज्म देखेला परे जति गोटे FeSO4 टा एमिति हेथिबो 7 माने 6 मेंबर 6टा ए सॉरी 7टा वाटर सहित लागिथिबो ZnSO4 भी 7टा सहित लागिबो ला आउ से माने देखा भी जिबे समान समान गोटे जति 6 कोणिया देखा गला एटा भी 6 कोणिया देखा जिवो गोटे जति 10 कोणिया देखा जिवो एटा भी 10 कोणिया देखा जिवो किंतु वाटर तक हटे देले से आउ सेम देखा जिबे ना बुझ पारल आइसोमॉर्फिज्म पाठटा आइसोमॉर्फिज्म पाठटा बुझ पारल हला अच्छा आ गोटे जिनस आसीबो कोन ना सॉलिबिलिटी कोन कहले सॉलिबिलिटी ठीक अछि 8 नंबर पॉइंट रे कोन कहले सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी रे कोन एथि ए सॉलिबिलिटी रे बहुत पाठ अछि ला सॉलिबिलिटी कथा जतबेले कहिबी बहुत पाठ अछि किंतु एबे पई हमकु केवल जेहेतु प्रॉपर्टीज रे लेखु जे गोटी मात्र पाठ हि गोटी मात्र लाइन हि देखिबा देखिलो जेतले Na+ Cl- अछंती देखिलो मु एटा को कहि परबि गोटे पॉजिटिव पोल माने खुंटी एटा होचि गोटे नेगेटिव पोल हला जहार पोल थिबो जो कंपाउंड ता माने मु जदि कहिबि NaCl टा गोटे कंपाउंड एटा परे पोल अछि ना नै अछि जहार पोल थिबो तांको कहा जाय पोलार कंपाउंड को कहिबी पोलार कंपाउंड ता माने यार Na+ Cl- भलिया पोल रहिबे जो कंपाउंड रे प्लस माइनस थिबो तांको कहिबो कोन पोलार कंपाउंड ओके बुझेला पोलार कंपाउंड जति पोलार कंपाउंड बुझिलो गोटे स्टेटमेंट ए सॉलिबिलिटी पई आसे कोन ना लाइक डिजॉल्व्स लाइक ला और कहंती एटा को आहरी सहज भाषा रे पोलार डिजॉल्व्स डिजॉल्व्स पोलार आ नॉन पोलार डिजॉल्व्स नॉन पोलार ओके नॉन पोलार डिजॉल्व्स नॉन पोलार यार माने कौन हे गला ना देखो आमे जतले H2O लेखिले ला पानी हमर एटा कोन पानी पानी रो फार्मूला कोन होए HOH तो आमे याको कहू ये होची प्लस ये होची माइनस हना ने जतले एठी H2O रे प्लस माइनस अछि ताले ये कोन हेथिबो पोलार आ तमे जेहेतु पानी टाकू बेसी नै छ याको कहते आमे पोलार सॉल्वेंट हना ने जदि पोलार सॉल्वेंट एटा को मु कहिली ताहले एठे मो मॉलिक्यूल टा कोन थिला NaCl टा पोलार त मु कहि छी पोलार टा को थरे डिजॉल्व हबो पोलार ला पोलार टा जदि पोलार रे डिजॉल्व हबो NaCl टा को थरे डिजॉल्व हे गला वाटर ला किंतु मु सपोज कहिली गोटे लिक्विड नबा जो थरे पोल हि नथिबो सपोज मु एटा नै छी CH3 CH2 CH3 एठी किछि पोल ही नै केवल कार्बन हाइड्रोजन अछंती ते से माने दी भाई भाई तांका भीतर पोलारिटी ही नथ पोलारिटी केमती डिसाइड होए ए चैप्टर रे आग को अछि व्यस्त होवनी को मॉलिक्यूल को पोलारिटी कहिबा सुना डाइपोल मोमेंट रु जानिबा डाइपोल मोमेंट ता आग को अछि ओके तो एटा कोन हे जिवो नॉन पोलार हला जे नॉन पोलार धर एथिरे मु मिसेबी NaCl आउ से मिसिबो की K2
केवे डीजल हमें से एनएसएल टा नहीं कि केरोसिन रे पकेब केरोसिन रे ये सब मॉलिक्यूल था कार्बन हाइड्रोजन रो ताको पकेले से डीजल हेबेनि ला किंतु पानी रे पकेब डीजल होइजबे अल्कोहल अल्कोहल टा केमते देखिया को थाए आर ओ एच माने ए एच जगह रे गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड टे थुआ हेते ला तो एटा भी पोलर जीए पोलर से थिरे डीजल हेबे नेक्स्ट क्लास रे कहिबी तुमको किए केते पोलार हेले एटा डिजल्व हबो अधिक से विषय कहिबी तापर कोन हे जिवो आमे कैरेक्टरिस्टिक्स से सरी जिवो ए 8टा पॉइंट ही अछि 8टा आ गोटे पॉइंट थेले थिबो हला बुझला ह जदे एटा बुझि परले आमे कोन कहि परिबा एनएसीएल जते आयनिक कंपाउंड तो डायरेक्टली मु ई सॉल्युबिलिटी रे कोन लिखि परिबी ना ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट्स लाइक वाटर त माने जत्ते दुनिया रासायनिक कंपाउंड अछन से माने पानी के सॉल्युबल हे ला एति के देखि देथा आज।